हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज मैं रिव्यू करूंगा आईफोन 13 का। मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन 13 2024 में लेने लायक है या फिर नहीं, और 2024 का जो बिग बिलियन डे सेल आने वाला है उसमें इस आईफोन 13 की प्राइस क्या हो सकती है, कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट होगा, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। कैमरा कैसा, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक जो है वो पहुँच जाए। यहाँ पर ये जो मेरा आईफोन 13 है ये 2022 की बिग बिलियन डेज वाला आईफोन है, तो करीब इसको जो है 1.5 साल जो है हो चुके हैं मेरे आईफोन 13 को। तो यहाँ पे 1 साल अगर आप एक कोई आईफोन यूज़ करते हैं तो उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी होती है, चलिए मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। मेरा आईफोन 13 ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, अभी तक मेरे पास जितने भी आईफोन्स थे उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अगर कोई आईफोन है तो वो यही है। तो यहाँ पर इसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी जो है ज़्यादा हल्के जो है फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं इसकी जो है क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर इस आईफोन में मैंने कोई भी स्क्रैचेस जो है वो आने नहीं दिए क्योंकि मैं इसमें हमेशा जो है कवर यूज़ करता हूँ, अच्छी क्वालिटी के मोटे मोटे और अच्छी क्वालिटी के जो कवर्स हैं वो यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह फ्रंट में और बैक साइड में कहीं पर भी जो है स्क्रैचेस नहीं है। तो ओवरऑल कहूँगा आईफोन 13 की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, इसमें जो है कोई दोहराय नहीं है। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई भी कंप्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता है। तो फिज़िकल कंडीशन और डिज़ाइन वगैरह आप लोग देख सकते हो काफ़ी सही है। आईफोन 15 आया आज के टाइम पर भी, उसमें भी इस तरह के कैमरा दिए हुए हैं। तो डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी बहुत अच्छा है, और अभी भी आईफोन 15 का जो डिज़ाइन है बैक साइड से सेम टू सेम दूर से ऐसा ही दिखता है। तो यहाँ पर डिज़ाइन और जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करते हैं गाइस इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आईफोन के जो इसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आईओएस के जो अपडेट्स होते हैं उसका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहता है। बट आईफोन 13 में जो है दो प्रॉब्लम जो है हो चुकी हैं कि इसमें जो है जब iOS 16 का अपडेट आया था तो उस टाइम पर iPhone 13 की जो कैमरा क्वालिटी थी वो थोड़ी सी जो है डल हो गई थी। तो iOS के हर कोई ना कोई ऐसे अपडेट्स आते हैं जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और किसी ना किसी iPhone मॉडल में जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये सभी iPhones में होता है। बाकी ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे ऐप्स जो है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं जो भी आईफोन में चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है इस आईफोन 13 का बहुत अच्छा है। मैं अपने आईफोन 13 में जो है पब्लिक बीटा अपडेट्स जो है वो यूज़ करता हूँ, जैसे कि iOS 17.3 अपडेट, अभी स्टेबल अपडेट नहीं आया है बट ये पब्लिक बीटा अपडेट है तो मैं अपने आईफोन 13 में जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है आईफोन 13 का ठीक ठाक है। यहाँ पर बात करें गाइस अगर इसकी कैमरा की कि कैमरा क्वालिटी कैसी है, तो आईफोन 13 से गाइस आप जो हैं 4K 30 FPS में वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट से भी और रियर कैमरे से भी। तो चलिए मैं आपको जो है कैमरे की सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ कौन कौन सी सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो रिकॉर्ड मोड में जाएंगे, रिकॉर्ड वीडियो में, तो 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 100 PAL का फॉर्मेट्स भी है, और यहाँ पर HDR में भी वीडियोज़ जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑटो FPS में जाएंगे तो यहाँ पर ऑटो 30 and 60 FPS जो है फ्रेम्स जो है पर सेकंड आप जो है सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी जो सेटिंग्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। फ्रंट कैमरे से भी गाइज आप जो है यहाँ पर 4K 60 FPS तक जो वीडियोज़ हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हो। और एक बात मैं बता दूं आपको, जो आप मेरी वीडियोस देखते हो उनमें से ज़्यादातर जो वीडियोस हैं आज के टाइम पे वो सब आईफोन 13 से ही रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ, सारा जो काम है आईफोन 13 से ही होता है, और काफ़ी व्लॉग्स भी मैं इससे बना चुका हूँ। यहाँ पर वैसे एक जो है माइनस पॉइंट में कहूँगा कि आज के टाइम पे जो है सिनेमेटिक मोड का ज़माना चल रहा है, तो सिनेमेटिक मोड से आप जो है गाइस यहाँ पे 4K वीडियोज़ नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये 1080p वाली ही क्वालिटी है। बट 1080p की जो क्वालिटी आती है सिनेमेटिक मोड में काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकल के आती है। तो कैमरा के मामले में आज भी आईफोन 13 बहुत अच्छा फ़ोन है। यहाँ पर इस आईफोन में और आईफोन 14 में बिल्कुल भी कुछ खास चेंजेस नहीं है, बट जो सिनेमेटिक मोड है अपना आईफोन 14 में वो आप 4K 30 FPS में वीडियो जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं कि मैंने आपको आईफोन 14 के लिए सब्सक्राइब किया था, उसको आपने बेच दिया, मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। तो मैं गाइस आप लोगों से बताना चाहता हूँ आईफोन 14 में कुछ खास चेंजेस नहीं थे, इसीलिए मैंने उसको हटा के आईफोन 15 लिया है। सो यहाँ पर आईफोन 13 बहुत अच्छा फ़ोन है आज के टाइम पर भी, और यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी वगैरह है वो भी बहुत अच्छी मिल जाती है, 6.1 इंच की काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। यहाँ पर ब्राइटनेस भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, ब्राइटनेस जितना आईफोन 12-13 में है काफ़ी अच्छा है, ब्राइटनेस से रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ब्राइटनेस और डिस्प्ले का जो है ओवरऑल कहूँगा बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है डिस्प्ले यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाती है।
और गाइज अगर मैं बात करूँ और चीज़ों की, जैसे कि इसकी जो है परफॉर्मेंस क्या है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस भी आपको आईफोन 13 की बहुत अच्छी मिल जाएगी। मैं आपको कुछ स्कोर्स जो है निकाल के जो है रखे हुए हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे गीक बेंच के जो है CPU बेंचमार्क्स की हिस्ट्री में जाएंगे। यहाँ पर अभी मैंने 18 दिसंबर को निकाले थे, तो यहाँ पर सिंगल कोर निकल गया था 2175 और मल्टी कोर निकल गया था 5473 iOS 17.3 में। वहीं पर अगर मैं बात करूँ GPU स्कोर्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे GPU स्कोर्स में यहाँ पर इसका जो स्कोर निकल गया था 17993। तो यहाँ पर जो इसका GPU स्कोर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप चाहे गेमिंग करो, वीडियो एडिटिंग करो, कोई काम करो, आपको सारा काम जो है इजीली हो जाएगा, सारी ऐप्स को सपोर्ट करता है, तो परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। अब बात करते हैं इस कनेक्टिविटी की, ये कनेक्टिविटी कैसी है। कभी कोई ऐसा ख़राब अपडेट आ जाता है जब आपको जो है कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि अभी स्टेबल अपडेट चल रहा है 17.2.1, उसमें कनेक्टिविटी का काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है कि लोगों का फ़ोन जो है कट हो जा रहा है। बट आईफोन 13 में जैसे कि 17.3 पब्लिक बीटा यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं है। 5G का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, अगर आपके आसपास 5G नेटवर्क जो है सपोर्ट करता है तो 5G भी काफ़ी अच्छा जो है चलता है। बाकी सारी कनेक्टिविटी एयर ड्रॉप, वाईफाई, ब्लूटूथ, सारा कुछ जो है अच्छी तरीके से जो है कम करता है। बट कभी कभी कुछ अपडेट्स फालतू के आ जाते हैं, उसमें कोई ना कोई तब कभी ना कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है हो जाती है। विजेट्स वगैरह देख रहे हैं, ये भी सही तरीके से काम करते हैं, इनमें भी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो है कि है आईफोन की बैटरी लाइफ। आईफोन जो है बहुत पहले जो है आईफोन की जो बैटरी होती थी अच्छी नहीं चलती थी, बट अभी काफ़ी टाइम से आईफोन 11 जब से आया है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आईफोन की बैटरी लाइफ, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो आईफोन 13 है इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो है 89%, क्योंकि ये फ़ोन 1.5 साल से ज़्यादा भी पुराना हो चुका है। और यहाँ पर अगर बात करूँ इस आईफोन 13 की बैटरी बैकअप कैसी होगी, मान लीजिए आपने आईफोन 13 नया लिया हुआ है, तो यहाँ पर उसकी जो बैटरी लाइफ होगी वो मैक्सिमम कितनी जा सकती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसको लास्ट चार्ज सुबह 10:54 पे किया था 95%, अभी इसमें जो है 31% बैटरी है, और यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम जो 24 घंटे का दिख रहा है आपको वो है 5 घंटे का। तो मान लीजिए अगर आपने एक नया आईफोन 13 लिया, उसको 100% चार्ज कर लिया, तो उसमें आपको जो टोटल बैटरी बैकअप है करीब 8 घंटे के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो 8 घंटे अगर कंटिन्यू फ़ोन को यूज़ करेंगे इतना शायद कोई करता नहीं होगा, बट यहाँ पर अगर आप करते हैं तो बैटरी लाइफ भी आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। बैटरी लाइफ भी आईफोन 13 की आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो बैटरी भी अच्छी है। अब बात करते हैं गाइस कि आईफोन जो है ये वैल्यू फॉर मनी कब हो सकता है, किस प्राइस पर हो सकता है। 2023 का तो निकल चुका है, अभी 2024 का जो बिग बिलियन डेज आने वाला है उसमें इसकी प्राइस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस आईफोन 13 की जो प्राइस लास्ट टाइम अभी गई थी अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में वो थी 43,000 के आसपास, 45,000 तक इजीली मिल रहा था, काफ़ी दिन तक मिल रहा था। बट अगर 2024 में ये फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेज़ॉन पे सेल में आता है तो इसकी जो प्राइस होगी वो 30,000 के आसपास जो है जा सकती है, 30-35,000 के आसपास ईजिली जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बट आपको सेल के लिए भी जो है 8 से 9 महीने का वेट करना पड़ेगा, और अगर आप वेट करना नहीं चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अभी अगर आप जाएंगे मार्केट में ख़रीदेंगे तो भी आपको 50,000 के आसपास जो है ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप जो है इसको ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो भाई कभी कभी जो है महंगे रहता है। बट यहाँ पर इस फ़ोन की जो प्राइस होनी चाहिए वैल्यू फॉर मनी वो अंडर 40,000 हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी 67,000 का जो है 67,000 का जो है आपको मिल जाता है आईफोन 15, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आईफोन 13 भी आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा फ़ोन है गाइस। अब बात करें इस आईफोन को जो है लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर आपको 40,000 से 50,000 के बीच में प्राइस में नया मिल रहा है तो ले सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ोन है आज के टाइम पर भी। एंड यहाँ पर एक और बताना चाहूँगा बात कि अगर आप ये आईफोन 13 ले रहे हैं तो बेस्ट कलर कौन सा होगा, तो मेरे हिसाब से आपको वाइट कलर के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वाइट कलर जो है काफ़ी समय तक जो यहाँ पर स्क्रैच वगैरह आपको तो दिखेंगे नहीं और काफ़ी समय तक एकदम फ्रेश फील करा, एकदम नया नया दिखता है, इस वजह से जो है आपको वो लेना चाहिए। रेड कलर मैंने ऐसे ही ले लिया था इस वजह से, क्योंकि इसका जो कुछ पैसा है वो कहीं डोनेट होता है, इस वजह से मैंने इसको लिया था, और मेरा मन भी था एक लाल आईफोन जो है यूज़ करने का। सो ये बातें थी जो मैंने एक्सपीरियंस किया आईफोन 13 के साथ, मैंने सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए। तो अगर आपका आईफोन 13 लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बिल्कुल भी 2024 में लेने लायक है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और इसमें मिनिमम जो वेरियंट आता है 128GB का ही आता है। सो गाइज सॉरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट जो चीज़ें थी बताने लायक वो सब मैंने आप लोगों को बता दी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आईफोन 13 में कुछ छूट गया हो, कुछ आप पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, कुछ टेस्ट देखना चाहते हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और आज की इस वीडियो को यही करना चाहूँगा, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।